बग्गा के अरविंद केजरीवाल पर तीखे प्रहार, अपने वादों को पूरा कब करेंगे केजरीवाल? डाला था बग्गा पर हाथ, अब कर रहे भुगतान? केजरीवाल से तजिंदर बग्गा के सवाल पर सवाल। गुरु ग्रंथ साहब जी के बेइज्जती करने वालों को जेल के अंदर कब डालोगे? आपने ही तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालेंगे, उनको 2 महीने बीत गए, कब जेल में डालोगे? पंजाब का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से आम आदमी पार्टी गदगद है। दिल्ली के बाद पहला राज्य है जो आम आदमी पार्टी ने यूं अपने दम पर पूर्ण बहुमत से हासिल किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को पंजाब पुलिस घेरती दिख रही है, वो समझ से थोड़ा परे होता दिख रहा है। इसमें गाज कुमार विश्वास पर गिरी और फिर बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर बग्गा का भी नंबर आया। हालांकि अब लग रहा है जैसे बग्गा को छेड़ना केजरीवाल को ही भारी पड़ गया है। पहले गिरफ्तारी के बाद भी बग्गा एक के बाद एक केजरीवाल पर सवालों की बौछार करते रहे और अभी तो गिरफ्तारी पर रोक के बाद से वो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को सजा दिलाने को लेकर केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं। रविवार को बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने केजरीवाल को कह दिया है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि गुरु ग्रंथ का अपमान करने वालों को जेल नहीं भेजते, उन पर उचित कार्रवाई नहीं हो जाती। बग्गा ने लिखा, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों पर कार्रवाई कब करोगे? आपने 24 घंटे का समय मांगा था, 60 दिन हो गए, कितने में जमीर बेचा? तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा केजरीवाल जी जब तक गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं डालोगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेइज्जती करने वालों को जेल के अंदर कब डालोगे? आपने ही तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालेंगे, उनको 2 महीने बीत गए, कब जेल में डालोगे? अपने ट्वीट के साथ बग्गा ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि बरगांडी कांड को लेकर पंजाब की जनता बहुत नाराज है, 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है बरगांडी कांड के दोषियों को, पूरे पंजाब की आत्मा को शांति मिले। सुनिए क्या कहा था केजरीवाल ने। बरगांडी कांड को लेकर पूरे पंजाब की जनता बहुत नाराज है, पंजाब की जनता चाहती है कि बरगांडी कांड के जो मास्टरमाइंड थे उनको आज तक कोई सजा नहीं हुई, और मास्टरमाइंड कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुंवर विजय प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट है, चन्नी साहब उस रिपोर्ट को उठा के देख लें, उसमें नाम लिखे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर उनपे कार्रवाई हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है बरगांडी कांड के दोषियों को, पूरे पंजाब की आत्मा को शांति मिलेगी। वही बग्गा के इस ट्वीट पर सूर्यनाथ दुबे नाम के यूजर ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल तो बोले थे कि दिल्ली में सरकार बनते ही शीला दीक्षित जेल के अंदर जाएंगी, लेकिन शीला दीक्षित मर गईं, कभी जेल नहीं गईं। ये सब राजनेता ऐसे बोलते रहते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। नीरज शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, सारे सिख समाज का मजाक बनाकर रख दिया इस झूठे वायदे करने वाले केजरीवाल ने। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव के समय बेअदबी का मामला प्रमुख मुद्दों में से एक था, सभी पार्टियों ने इसे लेकर बड़े बड़े वादे किए थे। आपको याद हो तो अक्टूबर 2015 में कई शहरों में गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र किए जाने के बाद पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। सबसे पहली घटना बरगारी में हुई थी। ग्रंथ को अपवित्र करने वालों के खिलाफ सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर केजरीवाल ने कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन अब तक जब ये वादा पूरा नहीं हुआ तो फिर बग्गा ने सवाल पूछ लिया। आपको बता दें 6 मई को पंजाब पुलिस ने बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया था, जिससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जंग छिड़ गई थी। घंटों बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस राष्ट्रीय राजधानी ले आई थी। बग्गा के खिलाफ आईपीसी की धाराएं 153A, 505 और 506 लगाई गई थी। अभी तो फिलहाल बग्गा बाहर है और सोशल मीडिया के जरिए ही कर रहे हैं केजरीवाल पर जबरदस्त प्रहार। वैसे आप बग्गा के केजरीवाल से पूछे जाने वाले सवाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। ग्रंथ साहब जी के बेइज्जती करने वालों को जेल के अंदर कब डालोगे? आपने ही तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालेंगे, उनको 2 महीने बीत गए, कब जेल में डालोगे?